नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास काल्टा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मेरे पास है विस्को की फोल्डिंग गन, जिसकी बैरल की लंबाई है 32 इंच, और इसमें जो है थोड़ी सी दो दिक्कतें आ गई थी। तो एक तो है, जिस तरह से हम गन को ओपन करते हैं, आप देखेंगे इस तरह से जो ये फायर होती है जब गन को हम ओपन करेंगे, और सेकंड नंबर में जो है इसका जो ट्रिगर है ये काफ़ी जो है हार्ड है, इसको जो है हम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे मेन कारण है कि आप जब जो है गन को जो है सबसे पहले जो है इसको खाली ना चलाएं कभी भी, जिस तरह से मैं चला रहा हूं, देखिए इस तरह से गन को कभी नहीं चलाना चाहिए, इसी का कारण रहता है इसको जो है ये ख़राब होती है। तो दोस्तों यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फायर फिन आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाहर को निकल गया है। तो ये कारण है जब आप जो है फायर करते हैं तो उसी से जो है ये फायर पिन जो है आपका ख़राब हो सकता है। खाली फायर आपको अपनी गन पर नहीं करनी है, तो खाली फायर करने के कारण ही देखिए आपका ये फायर पिन बाहर निकला। जब आप कार्ट्रिज लोड करेंगे तो ये ऑटो फायर भी यहाँ पर हो सकती है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसको हम जो है खोल कर चेक करेंगे, और भी इसमें जो दूसरी दिक्कत है, जो इसका ट्रिगर है काफ़ी हार्ड है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ज़ोर हमारे को जो है लगाना इसमें पड़ता है। तो इसको पीछे से यहाँ से सिंगल बैरल में जो है एक नट रहता है, वो स्क्रू ड्राइवर से भी खुलता है, लेकिन ये जो है 13 नंबर जो है इसमें हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। तो टी पाने की मदद से जो मैं इसको जो है खोलूँगा, 13 नंबर टी पाना मेरे पास यहाँ पर जो है मौजूद है। तो 13 नंबर जो आपकी गोटी होगी वही इस पर लगेगी, 12 नंबर नहीं लगेगी। तो इस तरह से जो है मैं इसको बाहर खोल रहा हूँ, आप देखिए, और सिंगल नट की मदद से जो है बट स्टॉक जो है इसमें जुड़ा रहता है। तो कई बार ढीले होने के कारण, लूज़ होने के कारण भी बट स्टॉक आपका लूज़ रहता है, तो यहीं से आप टाइट कर सकते हैं। सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये इस पर जो है लंबा सा एक नट लगा रहता है, तो ये बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है वॉशर वहाँ पर अब अटकी है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे को बाहर इसको नहीं निकालना है, ये हम बट को रखते हैं साइड में। इसके बाद मैं यहाँ का मैकेनिज़्म आपको दिखाता हूँ। ये जो है विस्को की फोल्डिंग गन है, इसमें जो फॉल्ट आया है ये जिनकी ये गन है इनके अपनी गलती से आया है, क्योंकि ये जो है खाली फायर इसमें करते थे तो इसके कारण जो है फायर पिन आपस में टकरा के जो है आगे को लंबा हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसका ट्रिगर है, ये नट भी यहाँ पर देखिए लूज़ है, काफ़ी लूज़ पड़े हैं, तो इसको भी हम टाइट करेंगे। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ, देखिए कितने लूज़ हैं। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो आपको खुद गन में चेक करना बहुत ही आपको ज़रूरी है। तो हम जो है ट्रिगर गार्ड को भी यहाँ पर ओपन करेंगे, थोड़ा सा जब हम काम कर ही रहे हैं तो इसको प्रॉपरली करेंगे, और इसमें ऑयलिंग भी हम अच्छे से करेंगे। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, ट्रिगर गार्ड जो है ये आपको घुमाकर इस तरह से बाहर आएगा। यहाँ पे फायर पिन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फायर पिन जो है मैंने इसको जो है देखिए सेट कर दिया है, और फायर पिन हमारा प्रॉपरली तरह देखिए सेट हो गया है, पीछे पूरी तरह से जा रहा है। अब जब कार्ट्रिज लोड करके इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटो फायर नहीं होगी, अब ये फायर पिन जो है हमारा पूरी तरह से देखिए अंदर को चला गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने यहाँ पर इसके जो हैं कुछ पार्ट्स खोले हैं, इसको भी मैं यहाँ से अब जोड़ूँगा आपको। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको जो है खाली फायर गन पर कभी भी नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, और बार बार भी आपको यही आग्रह कर रहा हूं कि खाली फायर आप अपनी गन पर जो है कभी ना करें। देखिए अच्छी तरह से जो है फायर पिन हमारा जो है अब अंदर की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो स्प्रिंग है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी जगह में जहाँ पर ये लगा था, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा डिफ़िकल्ट काम रहता है क्योंकि आप जो हैं घर पर ना करें, हमने देखिए स्प्रिंग को भी लगा दिया है। आप घर पर इतना ज़्यादा ना खोलें, हल्का खोल कर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं जो है आपके कहीं पार्ट्स में जो है कहीं जंग तो नहीं लग रहा है। तो इन नट को भी मैं यहाँ पर टाइट करूँगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से।
तो दोस्तों बाकी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको वीडियो, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि खाली फायर गनों में आपको नहीं करनी चाहिए, तो इससे आप बचें। इसी से जो है आपकी जो है गन की जो है लाइफ आपकी इसकी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं तो आपकी गन में डिफेक्ट रहेगा। देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से खाली फायर नहीं करने आपको, इसी से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत गनों में आती है। तो इसके बाद जो है मैं ट्रिगर गार्ड को यहाँ पर अपनी जगह में लगा रहा हूँ। देखिए इसके पीछे एक छोटा सा नट भी लगा रहता है, इसको भी आप टाइट करेंगे अच्छी तरह से, तो आपको ध्यान से टाइट करना है, बहुत ज़ोर से भी टाइट नहीं करना है, आपके नट टूट भी सकते हैं। और इस तरह से अब वापस हम जो है बट स्टॉक को लगाएंगे। बट स्टॉक को देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, जिस तरह से मैंने खोला था उसी तरह से मैं बट स्टॉक को यहाँ पर लगा रहा हूँ। 13 नंबर अपना हमारा जो है पाना रहता है, इसकी मदद से जो है मैं इसको जो है आपके सामने टाइट कर रहा हूँ। और मैंने अच्छी तरह से बट स्टॉक को देखिए टाइट कर लिया है, तो मैं अब इसके पीछे जो रहता है हमारा रिकॉल पैड को भी मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से नट इसमें जो है लगा कर इसको भी अपनी जगह जो है टाइट करूँगा। ये देखिए इस तरह से, तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप बट स्टॉक को खोल सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप जो हैं खाली गन को ना चलाए। अब देखिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अब देखिए हमारा ट्रिगर भी बहुत लाइट हो गया है, अब इस पर काफ़ी ज़ोर नहीं लग रहा है, दोनों चीज़ें मैंने इसमें जो है रिपेयर कर दी हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।